तो फ्रेंड्स, जब मेरा ओव्यूलेशन हो रहा था तो मुझे कैसे पता लग गया था कि मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्नु स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रेगनेंसी से संबंधित एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए यूजफुल होने वाली है जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ओव्यूलेशन के दौरान मुझे कैसे पता चल गया था कि मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे ओव्यूलेशन के दौरान अपने शरीर में ऐसे कौन कौन से लक्षण दिखाई दिए जिससे मुझे पता लग गया था कि मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या है, सही समय क्या है, सही टाइमिंग क्या है। तो आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि आपको पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स, जब मेरा ओव्यूलेशन हो रहा था तो मुझे कैसे पता लग गया था कि मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो इसका जो पहला कारण है वो है कि मेरे जो नाभि के निचले हिस्से में उसमें बहुत दर्द रहता था। ऐसा दर्द होता था जैसे चुभन चुभन सी होती थी, पीरियड जैसा दर्द होता था। ये दर्द कभी आता था तो कभी जाता था, डेली नहीं रहता था, हर टाइम नहीं रहता था। तो जो दूसरा लक्षण है वो है, जब मैं मॉर्निंग के टाइम सो के उठती थी तो मेरे शरीर का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता था। ऐसे लगता था जैसे मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा हो। और तीसरा जो कारण है कि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, मेरा जो खाना है खाने का मन नहीं करता था। और चौथा जो कारण है वो है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। और जिससे मुझे पता लग गया था कि ये सारे जो लक्षण हैं वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लक्षण हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको भी अपने शरीर में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप भी कंफर्म हो जाओगे कि आपने भी प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो फ्रेंड्स, जब मेरा ओवुलेशन चल रहा था तो मेरे पेट के निचले हिस्से में पीरियड जैसा दर्द हो रहा था। तो मुझे लगा शायद एक दो दिन में पीरियड आने वाला है, क्योंकि जब मेरे पीरियड आते हैं तो मुझे एक दिन पहले से ही दर्द शुरू हो जाता है, जिससे मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि मेरे पीरियड आने वाले हैं। तो मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था, तो मैंने सोचा शायद पीरियड आने वाले है। तो मेरी पीरियड की डेट भी चली गई थी तो फिर भी मुझे पता नहीं लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मेरे नाभि के निचले हिस्से में दर्द सा होने लगा, चुभन सी होने लगी और मेरा टेम्परेचर बढ़ने लगा, ऐसे लगने लगा मुझे बुखार सा हो रहा है, और सर में दर्द होने लगा, कमर में और बैक साइड में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। फिर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, शायद मैं प्रेगनेंट हूँ। तो फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन के दौरान मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मेरी कमर बहुत ज़्यादा अकड़ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कमर टूट सी गई हो। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो फ्रेंड्स, कई लोग बोलते हैं कि ओव्यूलेशन के दौरान आपको हल्की हल्की सी ब्लीडिंग होती है, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल ऐसे भी नहीं हुआ था। मुझे जो ब्लीडिंग हुई थी वो 2 या 2.5 महीने बाद हुई थी, जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट कर दिया था। यदि आपको भी हल्की हल्की सी स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो फ्रेंड्स, कई लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको उल्टियाँ आती है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ था। जो मेरे केस में हुआ था, मुझे बिल्कुल उल्टियाँ नहीं हुई थी शुरू में, लेकिन मेरा खाने का मन नहीं करता था और मेरे सर में दर्द रहता था, कमर में दर्द रहता था, नाभि के निचले हिस्से में दर्द रहता था, जिससे मैंने अंदाज़ा लगा दिया था प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। फ्रेंड्स, मुझे जो उल्टियाँ हुई थी वो 2 या 2.5 महीने बाद हुई थी। यदि आप लोगों को भी उल्टियाँ हो रही है या ये सारे लक्षण आप लोगों के अंदर दिख रहे हैं या इनमें से कुछ लक्षण आप लोगों में दिख रहे हैं, तो आप ही कंफर्म हो जाना कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है।